रे, ये लो, एमडी ने अपनी फर्म में हेरा फेरी की। तुम्हें नहीं कह रहा है, तुम ना हिसाब लगाओ। नानी जी, भैया हम आ गए। अरे वो तो हमें दिखाई दे रहा है कि तुम लोग आ गए। अच्छा लगता है नाटक बहुत बढ़िया था, खुश लग रहे हो? अरे पूछिए मत नानी, क्या नाटक था। मेरी बीवी बेमिसाल, ऐसा नाटक हमने पहले कभी नहीं देखा। सच में क्या प्रस्तुति, क्या अभिनय, क्या संवाद, बहुत अच्छा था। जैसा नाम वैसा बेमिसाल। हाँ भैया, बहुत ही अच्छा नाटक था। लोगों का तो ये भी कहना था कि उस नाटक के लेखक निर्देशक के अपने घर की कहानी पर आधारित था वो नाटक। बहुत ही अच्छा नाटक था, उसकी अपनी बीवी पर आधारित था। कैसे उसकी बीवी ने बुरे वक्त में अपने पति का साथ दिया, कैसे संघर्ष कर करके अपने बच्चों को पाला पोसा, और कैसे उसने। अरे बस बस बस, बाकी नाटक हम देख लेंगे जाके। पर ये नाटक तो लगता है देखना पड़ेगा, क्योंकि बीवी के त्याग की कहानी है ना। ये बात एकदम सही कही मालकिन आपने। कोई भी सिनेमा, कोई भी टीवी सीरियल और कोई भी नाटक हिट करना हो तो सच्ची कहानियों का रूपांतर कर डालो। सच का सच और मनोरंजन का मनोरंजन भी। इससे लोगों का मनोरंजन भी हो जाता है और सच्चाई भी लोगों के सामने आ जाती है। वाह बड़े लाल वाह। नानी जी मैं क्या कह रहा हूँ, ये नाटक वाटक का जिक्र सुन के ना महान साडू भाई की याद आ गया। सारे के सारे सच्ची सच्ची बताओ, साडू भाई घर में होते थे कैसे रौनक पिल्ला लगा रहता था है। किसी ना किसी कलाकार की एक्टिंग करते रहते थे, कभी राजकुमार बन जाते थे, कभी राज कपूर बन जाते थे, कभी जितेंद्र, कभी धर्मेंद्र है। सही है। तो वो समा सा बांधे रहते थे, अब तो देखो उनके जाने के बाद सब ऐसे सूखा सूखा सा हो गया है। नहीं तो मैं क्या सोच रहा था कि साडू भाई की याद में एक नाटक करते हैं, मंचन करते हैं नाटक का। नाटक का मंचन करोगे, पर महान के बिना कैसे हो पाएगा। ओहो नानी जी क्या बात कर दी आपने, ये देखो आपका प्यारा राज दुलारा चिंटू जवाई आपके सामने बैठा है, आपके लिए कौन करेगा। साडू भाई के साथ इतने दिनों से रह रहा हूँ, अगर ये सब भी नहीं सीखा तो साथ रहने का फायदा क्या हुआ। लानत है फिर तो मुझ पे। आ, तुम नाटक करोगे, और मैं अकेला थोड़ी करूंगा। ये देखो सारे सह कलाकार बैठे हैं, डॉली जी, सासू माँ, प्यारे नाना जी, और वो देखो बड़े लाल जी हैं, कैसे उतावले हो रहे हैं। क्यों नाना जी। हाँ क्यों नहीं जरूर करेंगे, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अजाब गजाब घर जमाई। अरे वाह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, नाटक शाटक हो रहा है घर पे। चिंटू जी प्ले और वो भी आप। अरे इनसे बड़ा नाटकबाज कौन। हमारा कहने का मतलब है कि ये नाटक कर रहे हो घर के लोगों के साथ। वेरी फनी, आई एम सॉरी, आई मीन ये बहुत ही टेक्निकल मामला। आई मीन यू नो देयर इज लाइट्स, देयर इज एक्शन, देयर इज परफॉर्मेंस, ये सब प्रोफेशनल की चीजें, आप उन्हीं को करने दीजिए। क्या बोला, हिंदी में बोल के बताओ पहले तो। अरे मतलब ये उन लोगों को शोभा देता है जो ये काम सीख चुके हैं, उन्हें करने दीजिए, आप रहने दीजिए नाटक वाटक, है ना नानी। बिल्कुल साडू भाई, आप अभी तक चिंटू चौटाला को समझे नहीं, तभी इतनी बात कर गए। चिंटू चौटाला अपनी पे आए ना तो दुनिया को रंगमंच बना दे, फिर ये तो दुनिया में रंगमंच की बात है। बहुत बढ़िया, अब आप जब इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं साडू भाई, तो देखते हैं आपका प्ले, दिखाइए कुछ इंटरेस्टिंग करके, इसी बहाने आपका टैलेंट भी देख लिया जाएगा। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो मैं आपकी इस कोशिश में हेल्प कर सकता हूँ, आई मीन ओनली इफ यू वांट। क्या बात कर दी आपने हैं भाई, अभी अभी तो आए हैं, गिनती के 2 या 3 दिन हुए हैं, आराम से बैठो, आप आते काम में जुटोगे हैं। ये तो बैल का काम होता है कि नहीं। आप आराम करो, नानी जी के साथ बैठो कुर्सी पे मुख्य अतिथि बन के हैं, उसके बाद देखो क्या नजारा दिखाते हैं आपको। हाँ चलो भाई, कर लो नाटक कर लो। लेकिन एक बात है भाई, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करने देंगे इस नाटक फाटक में, 3 दिन देंगे। 3 दिन में नाटक तैयार कर लो, फिर मत कहना कि क्या होगा। और नाटक का भूत 3 दिन में उतर जाना चाहिए, क्योंकि काम भी करना है, मिठाई का कारोबार चलाना है हमको, नाटक करेंगे। आप तो देखो कितना बढ़िया नाटक होगा, आप सारी जिंदगी इस नाटक को याद रखोगे, और साडू भाई आप भी, आप तो खास तौर पे याद रखोगे। ऐसा किल्ली तोड़ नाटक होने वाला है, सारी जिंदगी नहीं भूलोगे। ये लो डॉली जी, इसमें लिखी है आपकी भूमिका, सारे संवाद अपने याद कर लो, मैं तो कहता हूँ रट लो। अरे वाह चिंटू जी, आपने इतनी जल्दी नाटक की कहानी भी लिख ली। हाँ डॉली जी, यूं समझो कि कहानी तो मेरे आंखों के सामने है, देखी दिखाई,
बस कागज पर उतारनी थी सो उतार दी। बहुत अच्छी। चिंटू जी हमें और बताइए ना कि हमें क्या करना होगा, कौन सा रोल करना होगा, आपके नाटक के बारे में बताइए ना। भूमिका का तो आप यूं समझो नाना जी कि या तो यूसुफ साहब को मिली थी नया दौर में, या फिर अब आपको मिल रही है इस दौर में। अरे नया दौर तो मैंने एक दिन में 3 बार देखी थी, उसमें तो दिलीप कुमार हीरो है। ये यूसुफ खान कौन है भाई? यूसुफ साहब का नाम ही दिलीप कुमार है और दिलीप कुमार साहब का नाम ही यूसुफ साहब है। अच्छा अच्छा, इनकम टैक्स बचाने के लिए करा होगा। हमें क्या लेना देना है, बस हमें तो तुम ये बता दो कि इस नाटक में हम क्या कर रहे हैं। खैर हमारा ही छोड़ दो, तुम ये तो बाकी के लोग इस नाटक में क्या कर रहे हैं, मतलब कौन क्या संवाद बोलेगा, कौन क्या प्ले कर रहा है, बताओ इंग्लिश में। सासू माँ की जय हो। अरे बैठो बैठो बैठो। ये लो सासू माँ। हमारा किरदार क्या है नाटक में? बता दिया तो पता चल जाएगा आपको कि सामने वाला कैसा अभिनय कर रहा है, फिर आपके अभिनय का क्या होगा। मेरे कहने का मतलब ये है प्यारी सासू माँ, मैं चाहता हूँ ये जो अभिनय है ना, आपका अभिनय सर्वश्रेष्ठ हो, समझ रही हो अब बात है। इस नाटक में आप जीतो अभिनय का अवार्ड, समझ में आई बात? क्यों भाई बाबू, हम समझ तो रहे पर अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमारी भूमिका क्या है तो हम अपने पात्र में डूबेंगे कैसे? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उसको जो आपसे अभिनय करवाए बड़े लाल जी। हाँ देखो बड़े लाल जी, आप तो बस सीन और संवाद ये याद करो हैं, बाकी कहानी तो अपने आप बन जाएगी। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। अच्छा ये लो, दम आएगा दम आलू। आखिर चक्कर क्या है, चल क्या रहा है इसके दिमाग में? कहानी बता रहा है ना ही पात्र, कुछ तो गड़बड़ है बस। पता करना पड़ेगा कि आखिर ये सब मामला क्या है। डॉली जी कैसी चल रही है तैयारी नाटक की? बहुत अच्छी कृष्णा जी, आप देखना नानी जी से बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो हमें ही मिलने वाला है। इतना अच्छा डायलॉग बोलने वाले हैं हम चिंटू जी के इस नाटक में। आई एम श्योर। अच्छा सुनाइए ना क्या याद किया। आप सुनेंगे जी? सूरत तेरी देख कर, मूरत तेरी देख कर, आता है मन में ये सवाल, आता है मन में ये सवाल कि आखिर किस बात का है ये बवाल। आता है मन में ये सवाल कि आखिर किस बात का है बवाल, प्यारा है तू न्यारा है तू, है सबके दिलों का राजा, खा रहा हूँ मिठाई रसगुल्ला, तो तू भी तो आकर कुछ तो खा जा। नाना जी वो आखिरी वाली लाइन कौन सी थी? वो तू भी तो आके क्या थी? वही लाइन तो परेशान कर रही है, वही लाइन तो है, तू भी तो आकर कुछ तो खा जा। तू भी तो आकर कुछ तो खा जा। अरे वाह नाना जी क्या लाइन बोली है, मतलब दिल को छू गई। नाना जी एक बात बताऊं, मतलब इसमें बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ना वो तो आप ही को मिलेगा, लिखवा के ले लो। अच्छा क्या मिठाई खाएंगे शुगर फ्री? अरे ले आओ, मिठाई का तो नाम हो रहा है, ले आओ ले आओ। आप रिहर्सल कीजिए। ले आओ ले आओ, तू भी तो आकर कुछ तो खा जा। कृष्णा जमाई जी असली बात ये नहीं है कि संवाद लिखे किसने है, असली बात तो ये है कि संवाद बोल कौन रहा है। एकदम ठीक कह रही है सासू माँ, सुनाइए ना। हाँ सुनिए सुनिए। जैसे देखता नहीं मांगने वाले का हाथ मंदिर का प्रसाद, वैसे ही हर बच्चे के लिए एक समान माँ का आशीर्वाद। बस रुलाएंगे क्या सासू माँ? धन्य है धन्य है आप, इतना अच्छा अभिनय ना तो कभी देखा और ना ही कभी सुना है। सासू माँ कल आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और आज से मैं कह रहा हूँ ना, कल देखेगा ले के बाद पूरा जमाना कहेगा, पूरी दुनिया। लाइनें पढ़िए सासू माँ। मिल गया प्यार मुझे आप सबका, मिल गया जीने का सहारा, बिना अपनों के प्यार के
कैसा सोना था ये जीवन हमारा, ये प्यार, ये दुलार, ये अपनापन, रहा कर्ज मुझ पर आपका, इसे चुकाने इस घर में मैं फिर से जन्म लूंगा दोबारा। किशन जमा जी, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अरे वाह बड़े लाल जी, आप तो बहुत ही अच्छे एक्टर है, है ना? ये जो आपने घर के सेवक इसमें भावना डाली है ना, वाह। राहुल रॉय के बाद अगर मुझे कोई एक्टर अच्छा लगा ना, हाँ हाँ, तो वो है आप। राहुल राय से भी अच्छी एक्टिंग, मगर ये राहुल राय है कौन? छोड़िए, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट। लगता तो नहीं कि कुछ गड़बड़ है, शायद नहीं कुछ ज्यादा सोच रहा हूं। एनीवेज ऑल द बेस्ट फॉर योर प्ले शाहरुख भाई। अजब गजब घर जमाई। वाह बेटा चंट, हमारा मतलब है बेटा चिंटू, बड़े आराम से पसरे हुए फोन पे लगे हुए, 3 दिन हो गए हैं, नाटक तैयार हुआ कि नहीं? क्या बात है, एक और दिन की मोहलत चाहिए या नाटक का इरादा ही तुमने डिराप कर दिया? नानी जी की जय हो। नानी जी ऐसा कैसे हो सकता है, चिंटू चौटाला किसी काम का बीड़ा उठाए और उसे पूरा ना करे है? पूरी तैयारी करके बैठा है आपका प्यारा जमाई। अच्छा? नाटक की? हाँ, नाटक तो आज शाम को ही होगा। ना तो नाटक का इरादा छोड़ा है और ना ही आपकी सेवा का मौका छोड़ा है नानी जी। शाम को आज आपको ऐसा नाटक दिखेगा आप जिंदगी भर याद रखोगी। भाई वाह। चलो चलो, हमको बड़ी बेसब्री से इंतजार है और तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशीर्वाद का हाथ रखो नानी जी, देखो कैसे बेड़ा पार होता है। नानी जी की जय हो। जय हो। अच्छा नाटक करना। जय हो। जय हो। जमाई बाबू आपने हमें बुलाया? हाँ बड़े लाल जी, लो ये कुछ और संवाद है जो आपको पहले के संवाद दिए ना उसके साथ मिला के बोलने। लो लो लो। अरे जमाई बाबू, आपने जो हमें संवाद दिए थे ना बड़ी मुश्किल से हमने याद किए, अब ये फिर से हमें याद करने पड़ेंगे। एक बात बताओ बड़े लाल जी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार लेना है? हाँ। मालकिन जी के हाथों से, प्यारी नानी जी के हाथों से? हाँ। लेना है कि नहीं? तो फिर उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, छोटी मोटी सी बात है। आप जैसे महान कलाकार के लिए हैं, साडू भाई के बाद इस घर में कौन सा कलाकार है? आप ही हो, मैन तो आप ही हो हैं? भाई इसको ना घोटी बना के पी जाओ, रट लो, हो जाएगा। नानी जी का नाम लो और शुरू हो जाओ। जाओ 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 जाओ। राधे राधे। लीजिए, होती है शुरू अब ये कहानी आपके अपने चिंटू चौटाला की जुबानी। कहानी है एक छल की, बात है अभी जैसे कल की। था एक हंसता खेलता सा परिवार, था बहुत आपस में सबको एक दूसरे से प्यार। क्यूट लग रहे हैं। आया एक दिन घर पे एक पैगाम, आ रहा है घर के अंदर एक अनचाहा मेहमान। हाँ, इस मेहमान से इस घर का रिश्ता बड़ा ही पुराना, पर घर के लोगों ने इसे कभी अपना नहीं माना। फिर भी आ गया प्यार की तलाश में ये अनचाहा मेहमान। देखकर अपने लिए बड़ों की नफरत, बेचारा रह गया था हैरान।
और फिर शुरू हुआ इस नए मेहमान का सबके दिलों को जीतने का एक बड़ा ही नेक और अनूठा अभियान। अपनी अच्छी अच्छी बातों से इसने खींच लिया घर वालों का भी ध्यान। जीत लेता है सभी के दिलों को, बन जाता है सबका प्यारा। इस नए मेहमान को बना लो अपना, पूरे घर के कोने कोने में गूंज उठता है ये नारा। सूरत तेरी देखकर, मूरत तेरी देखकर, आता है मन में ये सवाल, आता है मन में ये सवाल कि आखिर क्या है ये बवाल। बदल गया बड़ों का भी मन, दूर हुआ गुस्सा सारा, बना लिया उस अजनबी को बड़ों ने भी अपनी आंखों का तारा। मिला प्यार मुझे आपका, मिला जीने का सहारा, बिना अपनों के प्यार के मेरा जीवन सुना था। ये प्यार, ये दुलार, ये अपनापन कर्ज रहेगा मुझ पर आपका, चुकाने इस घर में फिर से जन्म लूंगा मैं तो। देखा नानी जी आपने, सबको कर दिया मैंने अपने जेब के अंदर, प्यार वाली गोली खिलाकर बना दिया सबको बंदर। अब सब है मेरे झूठे प्यार के जाल में, जो चाहिए वो लेकर रहूंगा मैं हर हाल में। एक जवाई तो चला गया इस घर से, दूसरे जवाई को भेजना है बाहर इस घर से, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हूँ इस घर का सबसे पहला जवाई, मैं अकेले ही खाऊंगा इस घर की मलाई, ना किसी जवाई को आने दूंगा अपने रास्ते में, चाहे कुछ भी कर गुजरूंगा इसके बाद। बस जी, खत्म होती है हमारी ये कहानी। आशा है समझ गई होंगी आदरणीय पूजनीय नानी। विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं, खा सकती हो धोखा, क्योंकि छल करने वाला ढूंढता एक छोटा सा मौका। बोलो सारे साथ में मिलके, नानी जी की जय हो। वाह साडू साहब, वाह, कमाल कर दिया आपने, वाकई हम बहुत बहुत बढ़िया किया। नानी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको एक प्ले दिखाना चाहता हूँ, सोलो एक्ट। तुम भी? क्यों नहीं करो बेटा। जो प्ले आपने अभी देखा, इसका एक और पहलू भी है, उसे दिखाने का मुझे मौका मिलना चाहिए। जरूर मिलना चाहिए। चाओ। राधे राधे। आजा। बोलो बोलो, हेलो बोलो। जय अम्बे। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। कैसे हैं आप? सब फर्स्ट क्लास है। आप बताओ, आप कैसे हो, घर पे सब ठीक? मैंने आपको इनवाइट करने के लिए फोन किया है। क्या बात है, कोई खास कार्यक्रम है क्या? 15 नवंबर को हम लोग बाल दिवस खूब धूमधाम से मना रहे हैं, तो आप सबको आना है, लेकिन हाँ, खास करके बच्चों को तो जरूर लेकर आना। हाँ अच्छा, लेकिन हाँ एक शर्त है भाई, आपको अपने बच्चों को जरूर लेकर आना है, और आप सब
को भी बच्चों के कपड़ों में आना है। क्यों? ताकि हम बच्चे बनकर बाल दिवस खूब धूमधाम से मनाएंगे। जय अम्बे। जय जय अम्बे। राधे राधे। था एक छोटा सा मासूम सा बच्चा, हर बच्चे की तरह उसका दिल था सच्चा। सीख रहा था चलना वो अपनी माँ की उंगली पकड़कर, देख रहा था दुनिया को वो अपने बाप के कंधे पर चढ़कर, खुश था वो अपनी छोटी सी दुनिया में, था अपने माँ बाप की आंखों का तारा। फिर एक तूफान आया, उजाड़ दिया उसने उसका बचपन सारा, छीन लिया उससे उसके माँ बाप का साया, भरी दुनिया में उसने अपने आप को अकेला खड़ा पाया, ना थी संभालने को माँ की उंगली और ना ही गिरने पर बाप का सहारा। क्या करता वो, कहां जाता वो, किसे कहता वो अपना, उसको अपने तो हो चुके थे, गुजरा हुआ सपना, प्यार की तलाश में घूमता रहा वो उम्र भर, फिर एक परिवार मिला उसे अपना सा, विश्वास नहीं हुआ उसे अपनी किस्मत पर, समेट लेना चाहता था वो उस सबका प्यार, पा लेना चाहता था उस घर के बड़ों का सारा दुलार, लेकिन भूल गया था वो यार कि आज की दुनिया में शख्स से देखा जाता है मां का प्यार, मजाक बना दिया जाता है यहां सच्चे जज्बातों का। अब बस इस इल्जाम के साथ अब और नहीं जिया जाएगा। आज वो इंसान अपनी तन्हा दुनिया में वापस लौट जाएगा। अकेला आया था, अकेला ही चला जाएगा। हम जानते हैं कि अभिनय नहीं था, इसलिए सबसे बेहतर कलाकार का पुरस्कार तो हम नहीं देंगे तुम्हें, लेकिन बेटा इतना जरूर कहेंगे कि अगर झूठ मूठ में भी जाने की बात की ना तो बहुत मारेंगे हम। सही है, अरे कुछ खाने पीने का इंतजाम करो ना। अरे हाँ। चलो चलो डॉली चलने के साथ। तो साडू भाई कैसी रही? बढ़िया, मानना पड़ेगा भाई। उच्च कोटि के ड्रामेबाज हो, बढ़िया बात है, तलवार एक रखते हो, मयाने बहुत सारी हैं, बढ़िया बात है, कमाल का ड्रामा किया, बधाई हो। वैसे बधाई तो आपको भी हो साडू भाई, क्योंकि ड्रामा तो आपने भी कमाल का किया था भाई, मान गए। कोशिश थी, फैलोगे कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हैं? वो कहते हैं ना सितारों से आगे जहां और भी हैं, नया सोचेंगे। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट, काम आएगा साडू भाई। सेम टू सेम। अजब गजब।